कि ध्यान क्या है। पहले बताया गया ध्यान का अर्थ है सावधानी, जिसे हम ध्यान रखना कहते हैं। ध्यान का पहला अर्थ सावधानी, हर बात में ध्यान रखें, खाने में, उठने में, पीने में, बोलने में, बात करने में, काम धाम करने में, चलने फिरने में, सब जगह सावधानी। फिर ध्यान का अर्थ मन की एकाग्रता, किसी एक बिंदु पर, किसी एक विषय पर मन को केंद्रित कर देना। जितनी एकाग्रता आएगी, मन जितना एकाग्र होगा, उतनी हमारी शक्ति की, ऊर्जा की बचत होगी। और आगे बढ़े तो ध्यान का अर्थ है वर्तमान में होना, वर्तमान में जीना। न भूत का स्मरण, न भविष्य की कल्पना, केवल वर्तमान में रहना। वास्तविक ध्यान, ध्यान क्या है? कुछ न करना ध्यान है। हम लोग यहां बैठे तो हैं ध्यान करने के लिए, एकत्र हुए हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कुछ ना करना ध्यान है। और जो हम अब तक पाए हैं, पा चुके हैं, उन सबको खो देना ध्यान है। और ध्यान अकेला असंग हो जाना है। मैंने कहा कि कुछ न करना ध्यान, तो कुछ न करने का अर्थ समझना होगा कि कुछ न करने का क्या अर्थ है। कुछ न करने का अर्थ शरीर से कुछ ना करना नहीं है। शरीर तो कर्म प्रधान है, कर्म भूमिका है। और कुछ ना करो तो शौच पेशाब तो जाना पड़ेगा, खाना पीना तो पड़ेगा, इसे तो रोका नहीं जा सकता, बंद किया नहीं जा सकता। और खाना पीना पड़ेगा तो खाने पीने के लिए उपार्जन भी करना पड़ेगा। तो शरीर का करना ये रोका नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। कुछ ना करने का अर्थ है मन का कुछ ना करना। शरीर से हम बहुत थोड़ा करते हैं, शरीर से करते करते, कुछ काम करते करते थक जाते हैं। कहते हैं कि भरा इतना काम किया, इतनी मेहनत किया, एकदम शरीर थक गया। और जब शरीर थक जाता है, आप बैठ जाते हैं, तो भी आपका मन करना छोड़ता नहीं है। मन तो करता ही रहता है ना, सोचता रहता है। न करने का अर्थ मन कुछ ना करे, मन का मौन हो जाना, जिसे कहा गया, कोई कुछ ना सोचना। इंद्रियां शांत, वाणी शांत, मन शांत जब हो गया, मन का करना बंद हो गया, तब तो वो असली ध्यान होगा।
और इसी के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। मन में चलते हैं विचार, और विचार करना है, चाहे आप चिंता करो वो भी करना है, भय करो वो भी करना है, तनाव है वो भी करना है, सोचना वह भी करना है। ये तो बंद नहीं हो रहा है ना, इनका बंद हो जाना, जब चिंता भय तनाव दुख पीड़ा, और मूल में क्या है, स्मरण विचार। कोई विचार मन में ना हो, कोई चिंतन मन में ना हो, तो दुख क्या होगा, पीड़ा किसकी होगी, किस बात के लिए भय होगा, तनाव किस बात के लिए होगा। अव्यवस्थित चिंतन, अव्यवस्थित विचार दुख चिंता भय पीड़ा तनाव का कारण। तो इस अव्यवस्थित विचार को रोकने के लिए व्यवस्थित विचार की आवश्यकता होगी, संतुलित विचार की आवश्यकता होगी। और जब अव्यवस्थित विचार रुक गए, विचार व्यवस्थित रह गया, तो अंत में उस व्यवस्थित विचार को भी, व्यवस्थित विचार जो सकारात्मक चिंतन आत्मचिंतन, वो भी बंद। ऐसे समझ सकते हैं, रास्ता चलते जा रहे हैं, पैर में कांटा चुभ गया, अब पैर में चुभा कांटा पीड़ा कर रहा है, चलने में परेशानी हो रही है, पीड़ा ना हो पैर में, इसलिए जो कांटा चुभा है पैर में उसको निकालना होगा। पैर में गड़े कांटे को निकालने के लिए हम पास के इस पेड़ से एक और नया कांटा तोड़ लेते हैं, और जो कांटा हमने तोड़ा है उसके माध्यम से पैर में चुभे हुए गड़े हुए कांटा को निकालते हैं। अब पैर में जो कांटा चुभा था वो निकल गया, पीड़ा बंद हो गई, चलने में आसानी हो गई। तो अब क्या करें, पैर में गड़े कांटे को तो छोटा सा था तो निकाल कर बाहर कर दिया, उस कांटे को निकालने के लिए जो कांटा हमने तोड़ा था क्या, उस कांटा को अब लिए रहना है कि फेंक देना है। उस कांटा ने, जो हमने कांटा खुद पेड़ से तोड़ा था, कितना उपकार किया हमारा। यदि वो कांटा ना मिला होता तो पैर में चुभे कांटे को निकालना मुश्किल था, और कितनी पीड़ा करता वो कांटा। तो कितना उपकारी है वो कांटा जो हमने पैर से तोड़ा था। प्रश्न ये है, क्या उस जो कांटा तोड़ा था उसको लिए रहना है या फेंकना है। फेंकने में कुशलता है, नहीं तो वही कांटा चुभेगा। बस अव्यवस्थित विचार, नकारात्मक विचार, और विकारी विचार पैर में गड़ा कांटा है। इस कांटे को निकालने के लिए व्यवस्थित विचार, सकारात्मक ज्ञान का विचार, ये निकलना होगा, इसके बिना निकलेगा नहीं। और जब पैर में गड़ा जो विकारी नकारात्मक अवस्थिक सारे के सारे विचार जब निकल गए, तब अंत में ये जो व्यवस्थित सकारात्मक विचार है उसको भी छोड़ना होगा। और जब वो छूट गया तब ध्यान हो गया, मन ने करना बंद कर दिया। तो कुछ ना करने का अर्थ है मन का कुछ ना करना, शरीर से करना होगा भाई। और मैंने कहा ध्यान का अर्थ है, अब तक जो कुछ हम पाए हैं, हम जिसके मालिक बने हुए हैं, जो हमारी संपत्ति है, उस संपत्ति का त्याग। क्या पाए तो दुनिया से,
कौन सी संपत्ति हमारे मन में है? विषय विकार, वासना, काम क्रोध लोभ मोह, राग द्वेष, ईर्ष्या घृणा बैर विरोध, मोह माया अहंता ममता, यही तो हमारी संपत्ति है ना। भीतर में क्या भरा है? इसको छोड़ दे, ध्यान में मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि भीतर मोह लबालब भरा हुआ है, विकारी भावनाएं छूट नहीं रही है। बड़ा भय होता है कि मोह छोड़ देंगे तो कैसे होगा, अहंकार छोड़ दे तो हमारे पास क्या बचेगा। ये भय मोह अहंकार छोड़ने नहीं देता है, और जब तक ये नहीं छूटेगा, कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो, न ध्यान लगेगा, न आत्म शांति की अनुभूति होगी, न आत्म साक्षात्कार होगा। छोड़ना, सद्गुरु कबीर की जो साधना है, पकड़ने की साधना नहीं है, छोड़ने की साधना, अस्वीकृति की साधना। मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मेरा ये नहीं, अस्वीकृति, अस्वीकृति, अस्वीकृति। सब कुछ को अस्वीकार कर देने के पश्चात स्वीकार करने वाला शेष रह जाएगा। हम स्वीकार करने वाले को ही समझ नहीं पा रहे हैं। तो साधना क्या है? साधना में पाना नहीं है। यदि कुछ पाने के लिए साधना कर रहे हैं तो साधना कभी पूरी नहीं होगी, भटक गए हैं। पाना साधना नहीं है, पकड़ना साधना नहीं है, खोना छोड़ना साधना है। साधना शब्द जब आया तो ख्याल आ गया, फिर कई बार कहा है साधना क्या है, इसी साधना शब्द को समझ ले। साधा और ना, ये तीन अक्षर है, समय और ना में मात्रा में आ की मात्रा है। इनको ऐसा करें, एक तरफ कर दे साध और ना को अलग कर ले, तो साधना, साध इच्छा वासना का ना होना ही साधना है। थोड़ा सा समझ ले, साध और ना अलग अलग करो। साध में इच्छा आशा तृष्णा कामना लोभ लालच ये सब साध में आ जाएगा, और ना मतलब नहीं, मन में लोभ लालच इच्छा कामना तृष्णा का न होना ही साधना है। और हमारे मन में क्या भरा है? हर व्यक्ति अपने अपने मन को झांक करके देखे कि मेरे मन में क्या भरा हुआ है, पता चल जाएगा कि साधना में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। अपने अपने मन में जो भरा, जिसके हम मालिक बने हुए हैं ना, जो बटोर रहे हैं अब तक, वही हमारी जो संपत्ति है, उसी के कारण ध्यान में मन रुकता नहीं है, भागता रहता है यहां से वहां तक। तो कुछ ना करना, सारे करने से छुटकारा, करने मात्र का, शरीर का करना बंद, वाणी का करना बंद, और सबसे पहले मन का करना बंद, बस ध्यान हो गया। और जो कुछ पाए हैं अब तक दुनिया से, दुनिया वालों ने जो दिया है, दुनिया वालों ने क्या दिया है? ये मकान दिया होगा आपके पिता ने, जमीन दी होगी, रुपया पैसा दिया होगा, दुकान दी होगी, इनके कारण से ध्यान
में बाधा नहीं पड़ रही, इनके लिए मन में जो आसक्ति बन गई है, इनके लिए मन में जो लोभ लालच है, अहंता ममता है, वो बाधक है। और जब तक हम उसे नहीं छोड़ेंगे, कभी न साधना पूरी होगी न ध्यान सफल होगा। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। अब इसे संबंधित थोड़ी दूसरी चर्चा हो। हमारा जो जीवन है, हम जो जीवन जी रहे हैं, चार स्तर पर, चार तल पर हम जीवन जीते हैं। पहला तल, पहला स्तर शरीर का है, और शरीर से कर्म होता है। इससे पर उठते हैं तब दूसरा स्तर मन का है, मन से चिंतन होता है, विचार होते हैं। चिंतन, स्मरण, विचार सब एक ही बात है। इससे ऊपर उठे तो हृदय का स्तर है, वहां भावना होती है, श्रद्धा है, प्रेम है, और भी अनेक प्रकार की भावनाएं हैं। इससे ऊपर उठने पर आत्मा का स्तर है, जहां ना कर्म है, ना चिंतन है, ना भावना है, सिर्फ होना है बस। ध्यान उसी होने के लिए है। अब थोड़ा सा समझे इन चारों स्तरों को, अलग नहीं किया जा सकता, क्रम से ऊपर उठना होगा। पहला स्तर शरीर का, और शरीर कर्म भूमि का, कर्म प्रधान, कर्ममय है शरीर। करना है लेकिन क्या करना है, करना वह करना है, थोड़ा सा और गहराई से चले जाए तब, जिस करने से करना बंद हो जाए वह करना वास्तविक करना होगा। लेकिन ये बहुत गहराई समझने होगी इस बात को। करना वह सार्थक है जिससे सारा करना बंद हो जाए। लेकिन वो करना बंद हो जाए इसके लिए कुछ करना होगा पहले। जीवन निर्वाह का काम सबसे पहले है, मजबूरी है वह, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। लेकिन जीवन निर्वाह के अतिरिक्त भी हम बहुत कुछ करते हैं। जो करें शुभ करें, अशुभ करते हुए भी कहीं आसक्त न हो जाए। हम जो शुभ करेंगे ना, अभी सुना था शुरुआत में सत्र में, दान करना, दया करना, परोपकार करना, ये बनाना, वो बनाना, ये सब शुभ में है। लेकिन ये शुभ करते हुए भी इनमें अहम भावना आने पाए, जितना हो सके अधिक से अधिक सेवा परायण होना है। लोगों का जिसमें सेवा का मतलब, जिसमें लोगों का हित हो, लोगों को प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, किंतु उसमें अहम भाव, मैं ये कर रहा हूं, ये ना आने पाए। ये अहम आया, पतन शुरू, बंधन शुरू। जीवन निर्वाह मजबूरी है, उससे न बंधन बनता है, न मोक्ष होता, कुछ नहीं होता। हाँ, अब जीवन निर्वाह के करते समय हम गलत काम करने लग गए हैं, लोभ में आ गए, लालच में आ गए,
अधिकार की भावना आ गई, तब वो जीवन निर्वाह का काम भी बंधन का कारण बन जाएगा। तो जीवन निर्वाह कर्तृत्व जो करते हैं उसमें मैंने कहा कि शुभ करें, लेकिन शुभ करने से बंधन नहीं कटेगा। यदि शुभ करते हुए सकाम भावना है कि मुझे, मैं ऐसा शुभ कर रहा हूं तो मुझे ये मिले, फिर बंधन शुरू। इसलिए कहा गया है पाप पुण्य दो है बेरी, एक लोहा एक सोना केरी। पाप कर्म बंधन बेड़ी तो है, हथकड़ी तो है, लेकिन लोहे की, और पुण्य कर्म सोने की, बस इतना फर्क है। आपको हम ये समझें, अले हमारे हाथ पर भले हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है, क्या पर सोने की तो है ना, तो बेड़ी तो बेड़ी होती है, चाहे सोने की हो चाहे है लोहे की, चाहे हीरे की ही बन जाए। शुभ कर्म जो करना है अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना है। शुभ कर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा, कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी, उससे अलग ऊपर उठना होगा। करते हुए भी निष्काम हो जाएगा। कर्म चित्त शुद्ध है न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारे न किंचिदपि कर्म कोटिरभि। कर्म क्या है? चित्त की शुद्धि का कारण है। कर्म शुभ कर्म करने से चित्त शुद्ध होगा, न तो वस्तु उपलब्ध है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, कल्याण प्राप्ति नहीं होगी, उसके लिए वस्तु सिद्धि विचार, विचार सोचो कि मेरा क्या है, मैं कौन हूं। और जो लगे कि ये मेरा नहीं, वो मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, विचार से उन सब का त्याग करते चले जाए, तब वस्तु सिद्धि कल्याण की प्राप्ति होगी। तो शरीर का स्तर कर्म का स्तर है। कोई आदमी सर्वथा निष्कर्म नहीं हो सकता, मतलब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। करते समय निष्कर्म होना है, मतलब कर्मफल की आकांक्षा से रहित होकर आसक्ति कामना से ऊपर उठ करके। ईशावास्यम निषद में एक मंत्र आता है, कुर्वन् निवेहि कर्माणि जिजि विशेषतम समा एवं तो नान्य से तो वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऋषि कहते हैं तुम कर्म करते हुए पूरे जीवन जीने की इच्छा करो, मतलब जब तक जियो तब तक कर्म करते हुए जियो, जैसी अवस्था हो जाए ढंग से। लेकिन एवं त्वे नानेथो अस्ति, तुम्हारे लिए इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, कि तुम कर्मों में लिपायमान न हो, बस हम कर्मों में लिपायमान हो। अच्छा काम करते हैं हम, ऐसा करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इस जीवन में करेंगे तो अगले जीवन में हमें स्वर्ग मिलेगा, इस जीवन में करेंगे तो हमें अगले जीवन में वो मिलेगा, फिर बंधन कारण बना ना, लोभ आ गया ना, लालच, और नहीं मिला तब शिकायत। हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, और प्रशंसा ना करेंगे तब दुखी होंगे। इसलिए करना जो हैगा वो चित्त शुद्धि के लिए कर्तव्य समझ करके करें बस। और जब लोभ लालच से रहित होकर कर्म करेंगे, चित्त शुद्ध हो जाएगा,
तब उस शुद्ध मंजे हुए चित्त में ही ध्यान साधना का काम होगा। अशुद्ध चित्त, अशुद्ध मन, उससे क्या ध्यान बनेगा, क्या साधना होगी, और क्या हम अशुद्ध चित्त से क्या शांति आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। न कर्मलिप्यते नरे, तुम नर हो, तुम्हें कर्मों लिपायमान नहीं होना है। नर का अर्थ ही होता है जो कहीं लिपायमान नहीं होता है। नर, ना और रा, ये केवल दो अक्षर हैं। ना का अर्थ है नहीं, न निषेधात्मक ही होता है प्राय, ना नहीं, रा रमन करना, जो कहीं आसक्त नहीं होता है, जिसका मन कहीं आसक्त नहीं है वह नर है। इतनी शरीर में है कि पुरुष शरीर में है, भेद नहीं है, दोनों शरीर में बैठा हुआ जो जीव है वो नर है। जो सब कुछ करता है, शुभ जो कर रहा है, विकारी भावना से ऊपर उठ करके करता है, किंतु कहीं आसक्त नहीं है। सबसे मन अनासक्त निष्काम वह नर है। कबीर साहब की साखी है, एक तो शरीर दृष्टि से कोई नारी है कोई नर है, हम स्त्री पुरुष कहते हैं, लेकिन नारी और नर की व्याख्या क्या है, ये तो शरीर दृष्टि हो गई। थोड़ा सा ज्ञान दृष्टि से देखें तो कौन नर और कौन नारी, कबीर साहब की साखी है। नर को नारी जानिए, कोई नर तो है पुरुष शरीर में तो है, तो नर को नारी जानिए जो है विषयासक्त, नारी को नर जानिए जो है विषय विरक्त। जो विषयों में आसक्त हो जाता है वो नारी है, और जो विषय में आसक्त नहीं होता वो नर है। तो आप नर है ना, तो नर का अर्थ ही होता है जो कहीं रमना ना करे, कहीं आसक्त ना हो, कहीं चिपक ना जाए। कर्म करें चिपकना नहीं है कहीं, और जहां चिपके, जहां माने कि ये मेरा है, अधिकार भाव आया, चांटा खाने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं भाई। बाहर से चांटा ना मिले तो हमारा मन ही चांटा लगाएगा अपने को। तो हमारा पहला स्तर होता है शरीर का स्तर, जिसमें हमें करना है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और शरीर निर्वाह के साथ के लिए जो करें वो हम शुभ भावना से, निष्काम भाव से करें। दूसरा स्तर आता है मन का स्तर, मन का तल, जहां स्थूल कर्म नहीं है, वो जो दिखाई नहीं पड़ेगा। शरीर हम जो कुछ भी करेंगे, पाप करेंगे वो दिखाई पड़ेगा, पुण्य करेंगे वो दिखाई पड़ेगा, किंतु जो हम मन से करते हैं, जो सोचते हैं, विचार कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, ये दूसरों को दिखाई नहीं पड़ेगा। इसका ज्ञान स्वयं को होगा। तो मन का स्तर है विचार, चिंतन, स्मरण, संकल्प, जब से नींद खुलती तब से अंत तक, सोते तक, नींद लगते तक, मन कहां ठहरता है, कुछ ना सोचता रहता है। यहां संभालने की आवश्यकता है कि जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को संभाल लिया, उस व्यक्ति ने अपने पूरी जीवन को संभाल लिया। और विचारों को संभाल नहीं पाया तो जीवन को संभालना, इंद्रियों को संभालना, यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आदमी का पतन एकाएक नहीं होता, और आदमी का उत्थान भी एकाएक नहीं होता।
शरीर से पतन पहले नहीं होता है, बाद में होता है। आदमी मन से पहले पतित होता है। जिसका मन बिगड़ेगा नहीं, जिसके मन में गलत विचार नहीं होगा, वो शरीर से गलत कर्म कैसे करेगा, गलत व्यवहार कैसे करेगा? और जिसके मन के विचार सुंदर नहीं है, वो अच्छे काम कैसे करेंगे? यहां सबसे अधिक सावधानी यहां आने का होती है। किसी ने कहा है, गिरता है जब ख्याल, गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो खुद संभल गया। पहले आदमी का विचार गिरता है, चिंतन। ज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है? जिसने अपने विचारों पर संयम कर लिया, जिसके अंदर से गलत विचार आना सर्वथा बंद हो गया, वो ज्ञानी। और जिसने विचार पर संयम नहीं किया, जिसके भीतर निर बराबर गलत विचार आ रहा है, वो अज्ञानी। इतना ही फर्क है। ज्ञानी अज्ञानी में बाहर फर्क कहां है? फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रिय के माय। फेर परा कछु बूझ में, सो निर्वारे नाय। ज्ञानी और अज्ञानी के शरीर में जो लगे हुए तत्व है, मिट्टी पानी आग हवा, उसमें कोई अंतर तो नहीं है ना? उसी मिट्टी पानी आग हवा से ज्ञानी का शरीर बना, उसी से अज्ञानी का शरीर बना। और जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ त्वचा हाथ पैर आदि, उसमें भी अंतर नहीं है कि ज्ञानी के अज्ञानी के शरीर जो इंद्रियां हैं इनमें अंतर होता। भाई जिसके पास तीन चार आंखें हो ज्ञानी है, जिसके पास दो ही आंखें हो अज्ञानी, ऐसा तो नहीं है। वही इंद्रियां हैं जो सब पास, तो फर्क कहां हुआ? फिर फर्क कुछ बूझ में, समझ में, विचार में अंतर आया। आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकड़। कैसे? शरीर से नहीं, मन से, विचार से। क्योंकि विचार सही होगा तो आत्म सही हो जाएगा, विचार गलत है तो आत्म सही होने की बात ही नहीं है। मन का स्तर विचार पर, हम विचार में जीते हैं हमेशा। अब विचार, मैंने कहा था कि शरीर हम कुछ देर काम करके थक जाते हैं, लेकिन मन कहां थकता है? मन थकने का नाम ही नहीं लेता। और तृष्ण। और दुर्भाग्य क्या है, जहां थकना चाहिए वहां से मन नहीं थकता, और जहां नहीं थकना चाहिए वहां मन थक जाता है। दुनियादारी, राग रंग, लोभ मोह, लालच, विषय विकार, वासना, यहां से मन थकना चाहिए, यहां नहीं थकता। और ज्ञान विवेक विचार संयम सेवा साधना में जल्दी थक जाता है मन। यही तो दुख का कारण है, यही पीड़ा का कारण है। तो मन का न थकना मतलब हमेशा भाग दौड़ते रहना, दौड़ते रहना। किधर? संसार की तरफ, संसार प्राणी पदार्थ की तरफ। जब तक जागृति है, यदि हम साधना में ध्यान में नहीं बैठे हैं और मन उसमें शांत हो गया, उसको छोड़ दें, तो जब तक जागृति है मन कभी रुकेगा नहीं। सावधानी इतनी ही रखना है कि विकारी विचार ना आने पाए। जब जब अकेले हो, खास करके जब अकेले हो, उस समय विचार को संभालने का आवश्यकता है। ऐसे एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही है, जब लोगों के बीच में रहें, चाहे परिवार में है, परिवार के सदस्य हैं, या अन्य लोग हैं, बाहर हैं, दफ्तर में है, कारखाना में है, गाड़ी है, मोटर है, या जैसे यहीं बैठे हैं, जब लोगों के बीच रहें, तब वाणी को संभाल करके रहें, और जब अकेले में रहें, तब विचार को संभाल करके रखें। यदि लोगों के बीच विचार को संभाल करके नहीं रखेंगे, तो रिश्तों में गिरावट आएगी, खटास आ जाएगी,
और जब अकेले होते हैं तब विचार को नहीं संभाल पाए तो जीवन में गिरावट आएगी। हम जब लोगों के बीच रहते हैं ना तो बातचीत करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं या कुछ और करते हैं, तब मन वहां फंसा रहता है, उसमें डूबा रहता है, इसलिए गलत विचार नहीं आते। और जैसे ही अकेले होंगे, अब न बात करने के लिए कोई दूसरा आदमी है, न कुछ काम करने के लिए कुछ काम है, दोनों तरह से फुर्सत है, वैसे मन को छुट्टी मिल जाती है बेकार बातों सोचने के लिए। जो उस समय ने संभाले मन को, तब जीवन को गिरावट से बचाना असंभव जैसा हो जाएगा। तो मन का स्तर विचार, इससे ऊपर उठना है तो हृदय का स्तर आएगा, भावना, प्रेम, श्रद्धा। यद्यपि मन हृदय अलग अलग नहीं है तो समझने के लिए है, प्रेम है, श्रद्धा है, ईर्ष्या घृणा भी भावना है। कौन सा भाव है अंदर में, प्रेम का भाव या वैर का भाव? भावना कैसी है? कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें भावना क्या कैसे होती है? भावना जैसी होगी परिणाम वैसे होगा। कहां प्रेम है? मैंने कहा भावना तो है, प्रेम कहां है? श्रद्धा कहां है? किसके प्रति है? जिसके प्रति प्रेम होगा या जिसके प्रति श्रद्धा होगी, जहां पर प्रेम और श्रद्धा है उसी अनुसार से जीवन का उत्थान पतन होगा। बिना हम प्रेम के, बिना श्रद्धा के, बिना इसके हम रह नहीं सकते हैं। अब कहां प्रेम करना है, किससे प्रेम करना है, किसके प्रति श्रद्धा रखना है, ये सोचने की बात है। अब फिर प्रेम श्रद्धा तो कल्याणकारी है, इसके विपरीत भावनाएं आती है मन में, बैर की भावना, घृणा की भावना, द्वेष की भावना, विरोध की भावना, बदला लेने की भावना, ये तमाम भावनाएं हैं ना। प्रेम श्रद्धा की भावना तो कम होती है, घृणा की भावना, बैर की भावना, बदला लेने की भावना, और जितना बदला लेने की भावना होगी उतना हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते जाएंगे। तो बदला लेने की भावना छोड़ देना है, प्रेम श्रद्धा की भावना रखें मन में, और जितना ये अच्छी भावना रहेगी उतना आनंद का अनुभूति होगी, दुख चिंता से छुटकारा मिलेगा। लेकिन करना भी ध्यान नहीं है, शरीर का करना ध्यान नहीं है, हम कुछ भी करते रहेंगे ये ध्यान नहीं होगा, सोच रहे हैं तो भी ध्यान नहीं होगा। प्रेम या श्रद्धा, दूसरों के लिए प्रेम होगा, हमसे अलग है उसके लिए प्रेम होगा, श्रद्धा हमसे अलग उसके लिए होगा, मानव मात्र के लिए प्रेम है, सबके लिए प्रेम है, साथियों में प्रेम है, श्रद्धा तो संतुष्ट गुरुजनों के लिए श्रद्धा होगी, लेकिन वो भी तो अलग है ना हमसे, वहां भी ध्यान नहीं होगा। तो शरीर के करने से ऊपर उठना है, मन के सोचने से भी ऊपर उठना है, हृदय की जो भावना है इससे भी ऊपर उठना है। तो तीनों स्तर से ऊपर उठ गए तब क्या होगा? आत्मा का स्तर होता है, और आत्मा के स्तर पर न करना है, न सोचना है, न भावना है, सिर्फ होना, एग्जिस्टेंस, बस अपने आप
ध्यान वही अपने आप में होना है। जब करना बंद हो गया, सोचना बंद हो गया, भावना बंद हो गई, तब क्या होगा? अस्तित्व। और अस्तित्व में पूर्ण विश्राम है, वहां कोई हलचल नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझ लें। हम और आप रोज रात में सोते हैं, सोने गए, अर्धनिद्रा की स्थिति है तो सपना देखते हैं, सपना में भी रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, पैर करते हैं, विरोध करते हैं, काम धाम करते हैं। सपना से आगे चले, गाढ़ी नींद लगी, प्रगाढ़ सुसुप्ति, एकदम गाढ़ी नींद है। उस गाढ़ी नींद में करना नहीं, क्योंकि शरीर तो निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, शांत। सोचना भी नहीं है, सोचना है तो सपना है। फिर उस गाढ़ी नींद में सोचना भी नहीं, करना तो है ही नहीं, शरीर तो शांत पड़ा हुआ है। मन से सोचना विचारना भी नहीं है, और न श्रद्धा है, न प्रेम है, न बैर, न विरोध, न ईर्ष्या, न घृणा, भावना भी नहीं। तब क्या है? होना। पूरी दुनिया भूल गई उस समय, अकेले उस समय गाढ़ी नींद में हम अपने आप में होते हैं। कैसा भी दुखी आदमी हो, मान लो, कल्पना करो, एक आदमी है, उसका एक ही बेटा है, इकलौता बेटा, 18-20 साल की उम्र, उसके अचानक मौत हो गई। उस आदमी के दुख की कल्पना कर सकते हैं? इकलौता बेटा है, बचपन में मर जाता उतना दुख नहीं होता, लेकिन 18-20 साल की उम्र में एकाएक शरीर छूट गया, उस आदमी दुख की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वो एकदम दुख से अत्यंत विह्वल है। एक दूसरा आदमी है, उस दूसरे आदमी को शादी के 12-15 साल पश्चात एक बेटा पैदा हुआ है, कितना खुश होगा वो? उसकी खुशी का अनुमान हम नहीं लगा सकते। न जिसका इकलौता बेटा मर गया है उसके दुख का अनुमान लगा सकते हैं, जो शादी 12-15 साल बाद बेटा पैदा हुआ है उसे खुद का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन दोनों सो गए और दोनों की गाढ़ी नींद लग गई। जिसका बेटा मरा उसे पता चलेगा कि मेरा बेटा मर चुका है? भूल गए, क्योंकि गाढ़ी नींद में तो कुछ याद नहीं है, भूल गए। और जिसका बेटा पैदा हुआ है उसकी भी गाढ़ी नींद लग गई, पता चलेगा कि मेरा बेटा मर गया है, वो हंसेगा वहां पर, और जिसका बेटा मरा है वो रोएगा वहां पर। न रोना, न हंसना, न दुख, न सुख, वहां होना है दोनों का अपने आप में, सिर्फ होना है। तो ये गाढ़ी नींद हम समझ सकते हैं, चौथा आत्मा का जो स्तर होता है वो होना होता है। इसलिए गाढ़ी नींद को उपनिषद में सुसुप्ति कहा गया है, सुसुप्ति। और सुसुप्ति की व्याख्या की गई है स्व अपीति, स्व खुद को, अपीति पाना, अपने को पा जाना, अपने में हो जाना, ये सुसुप्ति है। और यही ध्यान है, वो तो अवस्था है। ध्यान जागते जागते उस स्टेज पर पहुंच जाना जहां ना करना है, ना सोचना है, ना भावना है, सिर्फ होना है। और होने में सुख दुख कुछ नहीं है। इसके लिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, सुख दुख से एक परे परम पर सो पद है सुखदाई। दुनिया का सुख, दुनिया का दुख, इससे अलग हट जाने पर जो होना मात्र है वो भी परम सुखदाई। वो भी कहने का तरीका है। गाढ़ी नींद में जब हम अपने आप में होते हैं, कितने शांत रहते हैं, लेकिन पता चलता है उस समय कि मैं सो रहा हूं, एकदम शांत हूं? जागते हैं तब पता चलता है।
और जो जान रहे हैं कि मैं एकदम सो रहा हूं तो नींद ही नहीं लगी है, लेकिन उस समय जब होते हैं तो कितनी शांति होती, कितनी शांति, कुछ मतलब नहीं, पूरी दुनिया से संबंध कटा हुआ है, अकेले हैं हम, बगल में कोई सोया हुआ भी है उसकी भी याद नहीं है, क्योंकि आत्मा अकेला है, असंग अद्वैत निर्लेप निराधार है, उसको समझने की आवश्यकता है, वहां होना है, होना अकेले में होता है। तो ध्यान करना, सोचना, भावना, तीनों से ऊपर उठ जाना, तो मैंने कहा था कुछ ना करना ध्यान है, ना करना है, ना सोचना है, ना भावना है, सिर्फ मात्र होना है। लेकिन ये तो हम जबान से कह दिए, कहने में क्या समय लगता है, कुछ सेकंड का समय लगा, लंबे समय के अभ्यास के पश्चात तभी दशा का हम अनुभव कर सकेंगे। मैं कह दिया तो मैं अनुभव कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मन बना करके इस ढंग से जीवन बनेगा, और फिर छोड़ते 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 मन से पकड़ने की जो आदत है छूटती चली जाएगी, तब वो दशा आएगी, और उसी दशा को हम कहते हैं मुक्ति की दशा, अकेला हो जाना। जब तक तीनों ऊपर नहीं उठेंगे, शरीर से, मन से, हृदय से, करने से, सोचने से या भावना से, तब तक हम होने को समझ नहीं सकेंगे। तो आत्मा का अस्तित्व जो स्तर है वो मात्र होना है, और सदैव वर्तमान में होता है। हमारा जो अपना आपा है, हमारे जो आत्मा है, वो सदैव वर्तमान है, ना भूत है, ना भविष्य है, सदैव वर्तमान। इस चीज को समझना होगा। तो हम जो करते हैं ध्यान, ये ध्यान नहीं है, ध्यान के लिए आगे बढ़ने की एक स्टेप है। बार बार कहा जा रहा है आपको, जो विचार मन में आ जाए छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, अच्छे विचार, बुरे विचार, क्योंकि विचार ही दुनिया है, कहा जाता है ख्याली दुनिया। तो दुनिया ख्याली नहीं है, ख्याल मात्र नहीं है, दुनिया का और हमारा जो संबंध है वो ख्याल मात्र है। विचार शांत हो गए, दुनिया अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर, बस अपने आप में हो गए, क्या कल्याण हो गया। तो इसलिए कुछ ना करना, और कुछ मना कर, जो भी आपको बताया जा रहा है, जो विचार आ जाए, जो विचार आए, अच्छे विचार आ जाए तो, बुरे विचार आ जाए तो, कुछ नहीं करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूं यह भी नहीं है, यहां भी मन है, इसलिए योगदर्शन में कह दिया गया है आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। मैं आत्मा हूं ये भाव भी जब छूट गया तब समाधि, क्योंकि मैं आत्मा हूं यदि ये ख्याल है तो मन मन उपस्थित है, समाधि नहीं है वहां पर। लेकिन ये दशा में पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं आत्मा हूं इस भाव में मन को रमाना हो पड़ेगा। पहले से छोड़ दिए, अरे वो तो जब अंतिम में छोड़ना है मैं आत्मा हूं ये भाव छोड़ देना है, तो अभी तक चिंतन करें तब तो कमे बिगड़ जाएगा। जब तक चिंतन चल रहे हैं तब तक मैं आत्मा हूं, हम जो कहते हैं ना हम तो चेतन ज्ञान स्वरूप, इस भाव में मन को रमा कर रखना पड़ेगा। और जब इस भाव में मन रम जाएगा और धीरे धीरे सबसे ऊपर उठ जाएगा तब वो भाव छूट जाएगा। जैसे मैंने कहा कि गाढ़ी नींद में कहां पता चलता है कि मैं मिस्त्री हूं, कि मैं पुरुष हूं, कि मैं पिता हूं, कि मैं पुत्र हूं, कि मैं साधु गृहस्थ हूं, कुछ पता नहीं है, बस है, बस।
तो आत्मभाव भावना विनिवृत्ति वो अंतिम की बात है, क्योंकि वहां पर विनिवृत्ति हो गई, मन ही नहीं रह गया तो सोचना कैसे, मैं आत्मा हूं ये सोचना मन से होता है ना। और मन है मतलब ध्यान नहीं है, मन है मतलब समाधि नहीं है, और मन है मतलब द्वैत है, हम अपने आप में नहीं है, सबसे ऊपर उठ जाना, ये वास्तव समाधि का अर्थ यही हो जाता है। इसी को अस्पर्ज्ञा समाधि, निर्विकल्प समाधि कहा गया है योग दर्शन में, और सद्गुरु कवि ने इसको सहज समाधि या सहज ध्यान कहा है। तो ध्यान कर कुछ न करना, मतलब मन का कुछ न करना, सबसे ऊपर उठ जाना, मन का पूरी तरह से शांत हो जाना, इसी को मन का मरना कहते हैं। अभ्यास उसी के लिए, समय तो लगभग होने जा रहा है, लेकिन तो देख रहे 5 मिनट के लिए सब बैठे शांत, और अभ्यास ये करना है कि ये देखे मन को, कुछ ना सोचे मन, जो भी आ जाए अच्छे बुरे विचार सबको छोड़ने का काम करें।